पहले के अफगानिस्तान ने इंग्लैंड दफाई चैम्पियन जो 2019 की चैम्पियन है उसको शिकस्त दी और बहुत बड़ी फतेह हासिल की। उसके बाद अब नीदरलैंड ने जी अपसेट शिकस्त दे दी है साउथ अफ्रीका को, जो 428 रन बनाए थे पहले मैच में जिसने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो वादा उला शरीक और बेहिसाब रिजक देने वाला है जी। तो जनाब साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के दरमियान मैच खेला गया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग नीदरलैंड को दी, और टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नीदरलैंड को बैटिंग दे दी और उन्होंने कहा कि रात को होश भी पड़ती है और हम लाइटों में खेलेंगे और मैच जीत जाएंगे आराम से, और उनकी यही गलत फहमी उनको ले डूबी। नीदरलैंड के 105 रन पर तकरीबन आधी टीम लौट चुकी थी और 125 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और फिर आए उनके कप्तान और कप्तान ने ऐसी बारी खेली कि साउथ अफ्रीका वाले देखते रह गए, और उन्होंने 78 रन बनाए और बहुत ज़बरदस्त बारी खेली और छक्के भी लगाए चौके भी लगाए, और टोटल उन्होंने बनाया जी 43 ओवर में। बारिश की वजह से मैच कम कर दिया गया था, 43 ओवर में मैच कर दिया गया था, और 43 ओवर में उन्होंने 245 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को 258 बालों पे 245 रन चेस करने थे। लेकिन क्विंटन डी कुक पहले आउट हुए और टविमा बुमा उसके बाद आउट हुए, और आहिस्ता आहिस्ता आउट होते गए और डेविड मिलर जो खड़े हुए थे 40 रन पर खेल रहे थे और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, उनको चाहिए था कि भाई मैच को लेकर चलना, क्योंकि वही ऐसे प्लेयर हैं कि मैच को साइडलाइन कर सकते हैं, लेकिन वो 43 रन पर बोल्ड हो गए और वो नहीं चल सके। उसके बाद किशु महराज वो खेल रहे थे लेकिन उस टाइम बिल्कुल एंड हो चुका था, लेकिन उन्होंने पूरे ओवर खेलने की कोशिश की और 40 रन बनाए उन्होंने 43वीं ओवर की आखिरी 5वीं बॉल पर वो आउट हो गए कीपर के हाथों। इस तरह से नीदरलैंड ने बहुत बड़ी फतेह, मतलब वर्ल्ड कप जीत लिया नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा कर। साउथ अफ्रीका वो टीम है जो पहले मैच में श्रीलंकन को 428 रन मारे थे, और लग रहा था कि इस दफ़ा साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में जाएगी और फाइनल में भी जाएगी, लेकिन कल की हार उनकी गले पड़ गई और ये बहुत बड़ी हार है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में डेविड मिलर, एडम मकरम, कॉल्सन और वो क्या नाम है क्विंटन डी कुक, टविमा बुमा, ऐसे ऐसे बेस्ट मैन हैं कि एक खड़ा हो जाए तो वो साइडलाइन कर सकता है मैच को, लेकिन कल वो नहीं जिता सका और नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। और नीदरलैंड के कप्तान ने आखिर में ये कहा है कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, आगे हमने इंडिया को भी हराना है, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। आज न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का मैच है, तो अफ़गानिस्तान भी अच्छी टीम बन चुकी है, उसमें वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, अब देखते हैं वो भी क्या करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, बहुत ही बड़ी शिकस्त। जज़ाकअल्लाह।